कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क गो 2023 का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आसान तरीके से यूज कर पाओगे। टेक्नो के इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, उसके वजह से कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। डायलर के अंदर यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, इसको इनेबल कर देना। हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा और दूसरे पर्सन को पता ही नहीं चलेगा। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर फ्लैश फॉर कॉल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइट कप होता रहेगा। इस फोन में 360 डिग्री फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फ्लैश लाइट के ऊपर यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे तो 360 फ्लैश लाइट दिखाई देगा, यानी कि बैक साइड में और फ्रंट साइड में एक ही साथ फ्लैश लाइट को इनेबल कर पाओगे। साथ ही साथ सिर्फ फ्रंट साइड में भी आप लोग फ्लैश लाइट को इनेबल कर पाओगे। होम स्क्रीन में राइट साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे देख लीजिए स्मार्ट साइड बार खुल के आएगा। इस तरह बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा और इस साइड में बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। यहाँ पे पेंसिल के ऊपर टैप करके बहुत सारे एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे ऐड भी कर पाओगे और टूल्स के अंदर आने के बाद बहुत सारे शॉर्टकट को आप लोग यहाँ पे ऐड कर पाओगे। अगर आप लोगों को लगता है कोई भी शॉर्टकट पसंद नहीं है, माइनस के ऊपर टैप करके उसको निकाल भी सकते हो और डन कर देना, डन हो जाएगा। यूट्यूब का एक प्रीमियम फीचर इस फोन में फ्री में मिलता है। इस साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखिए यूट्यूब के अंदर जाने के बाद, और यहाँ पे दिखाई देगा प्ले इन द बैकग्राउंड, इसको इनेबल कर दीजिए। YouTube में अगर आप कोई भी गाना वगैरह सुन रहे हो तो ये प्ले इन द बैकग्राउंड को इनेबल करोगे, स्क्रीन तो ऑफ हो जाएगा लेकिन गाना प्ले होता रहेगा। बहुत बढ़िया फीचर है। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए सेटिंग के अंदर चलिए, थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐप ट्विन का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पे आके बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन वगैरह रहेगा, उसको डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को हाइड करना चाहता है तो उनके लिए एक बेहतरीन फीचर है। यहाँ पे एक मास्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, फोन मास्टर, इसके अंदर आ जाना है आप लोगों को। थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को आना है और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा वर्ल्ड का, इसके अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पासवर्ड वगैरह देकर आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। हिडन ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप करके कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड कर पाओगे। सेम उसी तरीके से पिक्चर को भी आप लोग हाइड कर पाओगे, यहाँ पे वीडियो को भी हाइड कर पाओगे, कोई भी रिकॉर्डिंग को हाइड कर पाओगे, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को भी हाइड कर पाओगे। कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक करने के लिए फिर से आप लोगों को फोन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर आना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर ऐप लॉक दिखाई देगा, यहाँ पे आके आप लोगों को पासवर्ड वगैरह सबसे पहले तो डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे स्किप कर सकते हो या साइन अप कर सकते हो। उसके बाद जो सारे एप्लीकेशन को आप लोगों को लॉक करना है वो सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे आके आप लोगों को लॉक कर देना है। जब भी आप लोग वो एप्लीकेशन ओपन करने जाओगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। इस फोन में पिक प्रूफ का एक बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आप लोगों को पिक प्रूफ का ऑप्शन मिलेगा लेकिन ये हाइड सिचुएशन में रहता है, तो इसको अनहाइड करने के लिए थ्री डॉट के ऊपर टैप करके एडिट शॉर्टकट के ऊपर टैप करना। नीचे में बहुत सारे हाइड शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा, तो जो सारे शॉर्टकट हाइड है प्लस के ऊपर टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए। अभी यहाँ पे पिक प्रूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल करने के बाद बेसिकली एक ही जगह में फोकस होगा, बाकी सारे जगह में डार्क हो जाएगा और इसके जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी है इसको आप ज्यादा या कम भी कर पाओगे और आपके हिसाब से कहीं भी इसको फोकस में रख सकते हो। यानी कि अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में हो और बहुत सारे लोग आपके फोन के ऊपर नजर दे रहा है, उसी टाइम पिक प्रूफ को इनेबल करके आप काम में लगा सकते हो। पिक प्रूफ के जैसा ही थेफ्ट अलर्ट का एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना। बेसिकली जब भी आप लोग चार्ज में लगाओगे ना वो तो ठीक है, लेकिन जब आप लोग चार्जर से बाहर निकालोगे ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आएगा। प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा फीचर है। टेक्नो का ये जो फोन है बजट में आता है, उसके वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह रैम को यूज करता है, बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज करता है, तो उनके लिए फ्रीजर का एक ऑप्शन दिया है। इसके अंदर आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे ऐड कर पाओगे। आप लोग जो भी एप्लीकेशन को ऐड करोगे वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं होगा और ना ही तो बैकग्राउंड में इंटरनेट वगैरह एक्सेस करेगा। जब आप लोग इस एप्लीकेशन को क्लोज करोगे टोटली डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हो आपके लिए एक बेहतरीन फीचर है। स्पेशल फंक्शन के अंदर आना होगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा सोशल टर्बो। बहुत बेहतर
अदर इन फीचर्स है। सबसे पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आपका व्हाट्सएप नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले। मेरा अभी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर किसी से भी वॉइस कॉल कर रहे हो, वॉइस को चेंज करके यहाँ पे कॉल कर पाओगे। उसके साथ साथ वीडियो कॉल में वीडियो में ब्यूटी इनेबल कर पाओगे, आपके फेस थोड़ा सा ब्यूटी हो जाएगा। वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर। उसके साथ साथ पिक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कोई भी डिलीटेड मैसेजेस वगैरह यहाँ पे आके चेक कर पाओगे। व्हाट्सएप में कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा इसको इनेबल करोगे, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप होता रहेगा। सोशल फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को किड मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके घर में बच्चा है और आप बच्चे को फोन देते हो, किड मोड के अंदर जाके बच्चे देना, मतलब इनेबल कर देना किड मोड को, उसके बाद बच्चे को फोन देना, क्या होगा, आप जो सारे एप्लीकेशन को परमिशन दोगे बच्चा सिर्फ वही सारे एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा, बाकी सारे एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा। स्पेशल फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को माइक्रो इंटेलिजेंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है, जैसे कि टैपिंग वाइक, इसको इनेबल करने के बाद होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा, और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करने के बाद स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। तो ये टैपिंग वाइक को इनेबल करना पड़ता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे म्यूजिक जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में इस तरीके से स्वाइप करोगे तो म्यूजिक ओपन हो जाएगा और वहां से आप लोग म्यूजिक को कंट्रोल कर पाओगे। फ्लिप म्यूट का ऑप्शन दिखाई देगा, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है इसको इनेबल कर दीजिएगा, इस तरीके के पलट दीजिए और आपका जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। रेज टू एयर का ऑप्शन दिखाई देगा, कोई भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगा। देखिए माइक्रो इंटेलिजेंस के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट ऑफ रहता है, आप लोगों को थ्री फिंगर से स्वाइप करके स्क्रीनशॉट लेना है। नीचे में स्क्रॉल के ऊपर टैप करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे, जितना तक चाहिए उतना तक करके यहाँ पे डन कर देना और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग ब्राइटनेस को लो तो कर लेते हैं लेकिन हम लोगों को लगता है और भी थोड़ा सा लो होगा तो अच्छा लगता है, तो उसके लिए फिर से स्पेशल फंक्शन के अंदर आना है। थोड़ा नीचे की तरफ असेंबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा और थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना, ब्राइटनेस और भी ज्यादा लो हो जाएगा। अगर आप सबसे लो करके रखे हो फिर भी इसको इनेबल करने के बाद लो हो जाता है। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो, उसके लिए आप लोगों को डिजिटल वेलबीइंग के अंदर आना है। थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, जो सारे एप्लीकेशन में आप लोगों को टाइमर लगाना है उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐप टाइमर दिखाई देगा, मैं यहाँ पे 30 मिनट या 35 मिनट या आप कुछ भी टाइम सिलेक्ट कर पाओगे, उसके बाद ओके कर देना, एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर सेट हो जाएगा। जब भी आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज करोगे दिन में अगर 30 मिनट यूज हो जाता है ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, इसको यूज ही नहीं कर पाओगे जब तक यहाँ पे आके डिलीट बटन को नहीं दबाते हैं। इस फोन में ना जीरो स्क्रीन देखने को मिलता है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, बेकार का एड वगैरह यहाँ पे दिखाता रहता है, तो इसको बंद करने के लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए। डेस्कटॉप सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, अदर सेटिंग के अंदर यहाँ पे जीरो स्क्रीन दिखाई देगा, इसको ऑफ कर दीजिए। अभी देखिए होम स्क्रीन में आप लोगों को जीरो स्क्रीन दिखाई ही नहीं देगा। इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉअर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर आओगे यहाँ पे देख लीजिए डिवाइस का साउंड आप रिकॉर्ड कर पाओगे, उसके साथ साथ माइक्रोफोन साउंड को आप रिकॉर्ड कर पाओगे, पिक्चर जो क्वालिटी वो HD तक ही जा सकते हो, और यहाँ पे शो टैप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच करोगे वो जैसा अगर शो करवाना चाहते हो इसको इनेबल करके जरूर रखना। नोटिफिकेशन ड्रॉअर में फोकस मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसके अंदर आओगे यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन नीचे में दिखाई देगा, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और टर्न ऑन कर देता हूँ। जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो एप्लीकेशन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन को आप लोग यूज कर पाओगे और नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा जब तक फोकस मोड इनेबल रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फोकस मोड को डिसेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको टैप करने के बाद छोटा विंडो हो जाता है, अगर आप एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो ये फीचर्स आप लोगों को बहुत काम में आएगा। ऐप पिनिंग का बहुत बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। मान लो आप किसी भी बंदे को यूट्यूब देखने के लिए फोन को दे रहे हो, कई बार क्या होता है यूट्यूब से बाहर निकल के गैलरी वगैरह चेक कर लेता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा फीचर्स है। रिसेंट मेनू में आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके पिन के ऊपर टैप कर दीजिए, अभी देखिए वो एप्लीकेशन पिन हो जाएगा, नहीं तो आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर को यूज कर पाओगे और नहीं तो ये बैक बटन वगैरह काम करेगा, टोटली काम करना बंद कर देगा। जब तक ये बैक बटन और मेनू बटन को एक साथ टैप करके होल्ड करके नहीं रखोगे तब तक ये डिसेबल ही नहीं होगा। अभी देखिए टैप करने के बाद मैं पासवर्ड डालूंगा और यहाँ से मैं बाहर आ पाऊंगा, बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी के अंदर नीचे की तरफ एडवांस ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा। कई बार क्या होता है हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह यूज करते रहते हैं लेकिन रिसेंट मेनू में जाने के बाद एप्लीकेशन के अंदर कौन सा चीज हम लोग यूज कर रहे थे
थे वो भी दिखाई देगा। लेकिन इसको प्राइवेट बनाने के लिए एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके ब्लर को दबा दीजिए। अभी देखिए ब्लर हो जाएगा और पासवर्ड वगैरह डालने के बाद आप एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे, तो थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। इस फोन के एक ही स्क्रीन में दो एप्लीकेशन को एक ही साथ यूज कर पाओगे, तो उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, बेसिकली एक साथ दो ऐप को यूज कर पाओगे। नीचे की तरफ मैं सेटिंग यूज कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ यहाँ पे यूट्यूब यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से दो एप्लीकेशन को एक साथ बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। डिसेबल करने के लिए टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाइए और ये डिसेबल हो जाएगा। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैमरा के ऊपर। ये वीडियो देखने के बाद कार्ड में लिंक मिल जाएगा, कैमरा टिप्स एंड ट्रिक एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।